हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र कुमार गौतम हमारे यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डिस्कस करेंगे चिकन पॉक्स डिसीज़ के बारे में। चिकन पॉक्स डिसीज़ क्या होती है, कैसे फैलती है, कौन से वायरस के द्वारा है, इसके द्वारा हम इन्फेक्टेड होते हैं, इसके ऊपर प्रिवेंशन है, कंट्रोल, इस पर हम लोग किस प्रकार से रोकथाम पा सकते हैं। चिकन पॉक्स यह कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने के द्वारा यह हमारे लिए इन्फेक्टेड करती है। चिकन पॉक्स आल्सो कॉल्स वेरिसेला ऑक्यूर्स मेनली इन चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर ऑफ एज। मेनली यह 10 वर्ष के बच्चों तक ज़्यादा होती है। अनकॉमन इन एडल्ट्स, इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि यह कब तक हम इससे सही होते हैं, 14 से 16 दिन तक। पॉजिटिव एजेंट्स वेरिसेला जूस्टर वायरस, इसका दूसरा नाम भी है हर्पीस वेरिसेला जूस्टर्स। इसका बेसिस स्ट्रक्चर जैसे हम लोग देखेंगे, देखिए डीएनए कैप्सिड आउटलेट एनवलप्स इनर प्रोटीन कोटेड्स, यह हमारे स्किन के लिए डैमेज या जो नर्व्स होती हैं स्किन की उसके लिए डैमेज करते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं जिसके द्वारा, जैसे कि देखिए स्किन पर ब्लिस्टर फील्ड्स विद पल्स के द्वारा दिखाई देने लगते हैं। जो हमारी अंदर की नर्व्स होती है, नर्व्स डैमेज होने लगती है, नर्व्स फाइबर्स देखिए डोरमेंट्स वेरिसेला वायरस। इसके बाद देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यह हमारे लिए किस प्रकार से फैलती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति को चिकन पॉक्स है और एक स्वस्थ व्यक्ति है उसके संपर्क में आता है तो सामने से छींकता है, उसके अंदर की वायु दूसरे व्यक्ति को सांस भी लेता है इसके अंदर जाती है तो उसके द्वारा भी फैलती है। जैसे फ्रेशली कंटामिनेट्स फॉर्माइट्स यूज बाई पेशेंट कैन ट्रांसमिसिड डिसीज़। मेनली आप लोगों ने देखा होगा कि अगर परिवार में एक व्यक्ति को छोटी या बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं होती हैं तो एक दूसरे के व्यक्ति को भी फैल जाती है। जैसे एक व्यक्ति सही होता है तो उसके बाद कुछ दिन बाद दूसरे व्यक्ति को भी हो जाती हैं। और थर्ड नंबर वायरस कैन क्रॉसिस प्लेसेंटल वेरियस में भी अफेक्ट्स फोइटस, बाहरी गंदगी के द्वारा हम लोग खुले में शौच करते हैं उसके द्वारा, जो मक्खियों के द्वारा हमारे गंदगी अंदर वायरस आते हैं और खाने पर बैठ छोड़ देती हैं, इसके हम लोग खाना या अदर खाने उपयोग वाली वस्तुओं के द्वारा जो मिल करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, इसके कैसे इसके लक्षण, फीवर आने लगता है या फिर शरीर पर रेड से स्पॉट्स हो जाते हैं, गर्दन पर पीठ पर भी हो जाते हैं, से जो स्पॉट्स होते हैं वह 24 घंटे में हमारे लिए दिखने लगते हैं और ये सूखने के बाद एक स्किन सी निकलने लगती है, मतलब पपड़ी सी उधड़ने लगती है। इसके बाद देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हम इसके लिए किस प्रकार से रोकथाम कर सकते हैं, इस पर कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं, बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग स्पेसिफिक वेरिसेला जूस्टर इम्यूनोग्लोबुलिंस, मतलब इसका टीकाकरण भी होता है जो बचपन में हमारे लिए लगवाए जाते थे पहले, अभी भी अगर जो व्यक्ति को इसके सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसके लिए यूज होता है। ये जो लोकल एंटीसेप्टिक्स लाइक क्लोरोहेक्साडाइन
एंटीसेप्टिक क्लोहेक्साडाइन्स यूज करते हैं, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोग्रेस यानी एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, ट्रांसमिशन प्रिवेंट्स बाय आइसोलेशन ऑफ पेशेंट फॉर 5 to 7 days। जिस व्यक्ति को यह बीमारी होती है उसको अलग से सुरक्षित जगह पर 5 to 7 दिन तक रखना पड़ता है, जिससे कि वह दूसरे व्यक्ति को ना फैल सके। और स्टरलाइजेशन ऑफ ऑल आर्टिकल यूज ऑफ पेशेंट आफ्टर क्योर, जो भी पेशेंट इफेक्ट है उसको जितने भी घरेलू सामान जैसे खाने पीने के लिए बर्तन, ओढ़ने के लिए कपड़े या उसके पहनने वाले कपड़े, दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में ना आए। थैंक।